नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पूरे देश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे कोरोना वॉरियर्स को भी कोरोना से बचाने की जरूरत है। इसके तहत कोरोना के बचाव के लिए सुरक्षा किट, जहां डॉक्टर व कोरोना से जुड़े अन्य लोगों को सरकारी मुहैया करा रही है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी नगर निगम सफाई कर्मचारियों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण आज वाराणसी में समाज सेवी गौरव सिंह पिंचू ने नगर निगम के कर्मचारियों को मास्क और अन्य सुरक्षा किट को निगम के सफाई कर्मचारियों में बांटा। गौरव सिंह ने कहा कि जहां एक ओर डॉक्टर व पुलिस कर्मियों को बचाव के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम सफाई कर्मचारियों को भी बेहतर की जरूरत है। इसको देखते हुए लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। गौरव सिंह पिंचू, मैं यहाँ वाराणसी में समाज सेवक हूँ। गौरव जी, आज क्या क्या है आपने ये बताइए। आज हमने जो है यहाँ पर बनारस में हमारे जो भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं, जो कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, तमाम तरह की उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मिली हुई है कोरोना से बचने के लिए। पुलिस विभाग के जो भी लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है उनकी भी सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी तक सफाई कर्मचारी जो भी हैं उनकी सुरक्षा का कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ उनको एक लाल रंग का ऐसा जैकेट दे दिया गया, हाफ जैकेट, जिस पर लिखा गया है नगर निगम वाराणसी, और कोई इंतजाम इनके लिए नहीं किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो गलियों में जाकर के ये कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं शहर मच्छरों से बचाव के लिए, सैनिटाइजर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का इनका कोई इंतजाम नहीं। तो आज मैंने इनकी सुरक्षा को देखते हुए आज अपनी तरफ से, अपने आशा फाउंडेशन की तरफ से, मैंने इन लोगों को एक ऐसा फेस शील्ड दिया है, जैसा आप देख सकते हैं मैंने भी लगाया हुआ है। इसके माध्यम से कम इनके आँख, नाक और मुँह में जो भी ऐसी गंदगी या जो भी ऐसा डस्ट होगा इनके आँखों, नाकों और कान में नहीं जा पाएगा, और ये अपने आप को कुछ न कुछ हद तक सुरक्षित रखेंगे। और मैं एक मीडिया के माध्यम से नगर निगम के उच्च अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी अच्छी व्यवस्था, एक ऐसा कोई किट इन नगर निगम के जो कर्मचारी जो सड़कों में, गलियों में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि इस कोरोना की इस महामारी से ये अभी अपने आप और अपने परिवार को बचा सकें। क्या सरकार किट देने में विफल है? क्या सरकार क्या किट देने में विफल है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। या तो अभी तक तो सरकार को ऐसा लगा नहीं है, ये सोच नहीं आई होगी कि हमारे डॉक्टर्स जो आजकल सारा दिन लगे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए, बहुत अच्छी बात है। पुलिस विभाग के जो हमारे भाई बंधु हर चौराहे पे 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफाई कर्मचारी भी उनके ही इतना बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से मुझे लगता है कि इनको अनदेखा किया जा रहा है। तो इनके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि उन दोनों लोगों के साथ साथ डॉक्टर और पुलिस के साथ सफाई कर्मचारियों की भी सुरक्षा का बहुत ज़रूरत है। क्यों आपने ये ऐसा सोचा बंटवाने का, क्या कारण हो सकता था? जैसे मेरी गली में ही झाड़ू लगाने के लिए और जो कूड़ा उठाने के लिए जो भी हमारे सफाई के बंधु आते हैं, भाई बंधु, मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में सिर्फ ओनली ऐसे ग्लव्स होता है, बाकी उनकी सुरक्षा के इंतजाम कुछ नहीं होते, और कुछ ग्लव्स पहने भी होते हैं, कुछ नहीं पहने होते हैं। वो वैसे ही कूड़ा उठाते हैं, डालते हैं, और अगर उनको खुजली हुआ तो वैसे ही हाथों से खुजली कर लेते हैं। एक गली से होकर के निकले वो दूसरी गली में गए, अगर कल को उनके अंदर अगर कोरोना, अगर वो कोई इस तरीके का कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो वो एक गली से दूसरी गली में जाएंगे कूड़ा उठाने, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक फैलाने का काम कर जाएंगे। अगर उनको एक किट की तरह जो पूरा उनको सुरक्षित करे, एक ऐसा कोई किट उनको बनाया जाए, नगर निगम के लोग उसको बनाए या आर्डर दें या किसी तरीके से विचार करके कि उनको भी एक प्रदान किया जाए जिससे वो भी सुरक्षित रहें। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब है तो क्या स्थिति हो सकती है बनारस? आपको मैं बता दूं कि जैसा कि कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी एक सोच बताती है कि अगर एक कर्मचारी नगर निगम का अगर बीमार होता हो और उसके पास कोई ऐसी सुरक्षा कवच नहीं दी गई हो, और एक से अन्यथा अगर दो तीन बीमार हो गए, अगर एक की वजह से दो तीन और बीमार हो गए, तो कहीं ना कहीं भयावह रूप ले सकती है नगर निगम के कर्मचारियों के लिए, और हो सकता हो कि कल को ये लोग काम करने से भी बहिष्कार कर देंगे तो हमारा शहर पूरी गंदगी से बचा जाएगा। तो आने वाले इस समय को देखते हुए ऐसा न हो, इसलिए हम निवेदन करूंगा बनारस के जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे कि कम से कम अभी वो लोग समय रहते जागें और इनके लिए भी कुछ एक ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था करें।